अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज है संडे का दिन और मैं यहाँ पे बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी, मतलब नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली मैंने ना 1.5 किलो साबूदाना भिगा के रखा था और साथ ही साथ मैंने 2 बड़े आलू को क्रस के रख लिया, मतलब वो जो खोबरा घिसने से अपन क्रसते ना, क्या बोलते हैं उसको, कद्दूकस, वो मैंने करके रखा है। और ये सेंग को मैंने पहले से भून के रखा है। सब तैयारी करने के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, नहीं तो सारा काम रह जाता। तो ऐसा है, तो सब मैंने तैयार करके रखा है, सिर्फ इसको बघार देना बाकी है। और मैं यही बता रही थी आप लोगों को कि कैसे मैंने उसको खिरचा, मतलब किस से मैंने खिरचा, तो खोबरा घिसने में आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस यहाँ पे मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी गरम तेल के अंदर, ज़्यादा ज़ीरा लगता है इसके अंदर तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ते के बाद मैंने इसमें ऐड किए बारीक बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली, यानी कि मिर्ची, हरी मिर्ची। और मैं हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, थोड़ा सा तीखा होगा ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि आगे मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड करूँगी, प्लस खाते वक्त हम इसमें लेमन ऐड करेंगे तो वो टेस्ट जो होगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। अभी मैं आप लोगों को पहले बनाने का तरीका बताती हूँ, फिर खाने का तरीका बताऊँगी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है मेरे तरीके से खाने में तो वैसा खा के देखना, ओके? तो यहाँ पे मैंने ना गरम तेल के अंदर जो मैंने आप लोगों को बोला राई ज़ीरा कड़ी पत्ता मैंने ऐड, राई ज़ीरा बोल रही हूँ, हरी मिर्ची ज़ीरा और कड़ी पत्ता मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद वो जब खुशबू आने लग जाए ना, मतलब पकाना है उसको, हिलाते हिलाते पकाना है। मिर्ची जब पक जाए और मिर्ची का फ्लेवर आने लग जाए, खुशबू आने लग जाए ना, तो हमें इसके अंदर ये जो आलू मैंने कद्दूकस करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दी। और अब इसको मैं ढक के पकाने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि वो मतलब पूरा कुक नहीं हो जाता। और जब ये कलर चेंज हो जाए ना आलू का, जब आलू का कलर चेंज हो जाता है, आलू का कलर है ना पकने के बाद थोड़ा सी ब्राउनिश और ऑरेंज टाइप का होने लग जाएगा ना, तब मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी साबूदाना भीगा हुआ। हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2.5 से 3 घंटे भिगा के रखना है, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा वक्त तक के भीगा रह गया था। संडे था ना तो थोड़ा सो के लेट उठी मैं, पानी के वक्त पे भिगा के रखा था और सो के लेट हुई, तो मतलब मेरे को 4-5 घंटे हो गए थे साबूदाना भिगा के, तो वो अच्छी तरीके से फूल गए थे, मतलब सॉफ्ट हो गए, बहुत अच्छा लगा खाने। बाबू को तो मज़ा ही आ गया, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग इसको भिगा के रखेंगे ना उतना अच्छा रहता है मेरे हिसाब से, मैं अपना बता रही हूँ। बाकी आपको तो आइडिया हो गई कि कितना भिगाना है, पर मैं ना साबूदाने को हमेशा ज़्यादा वक्त के लिए ही भिगाती हूँ, 5 से 6 घंटा, कभी कभी तो पूरी रात भी भिगा हुआ रहता है। तो ऐसा है, तो अभी मैंने ये साबूदाने को इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अभी ये थोड़ा सा चिपकेगा, मतलब आलू और साबूदाना मिक्स करते वक्त ये कढ़ाई को थोड़ा चिपकेगा, लेकिन हमें अभी सेंग नहीं डालना है। सेंग डालने से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि चिपकता नहीं है, सेंग इसको छुटा देता है, मतलब खुला खुला रखता है। लेकिन फिर भी मैं सेंग को पहले नहीं डालती हूँ, पहले मैं ना साबूदाने को कुक होने देती हूँ 2 से 3 मिनट ढक के, उससे एक आइडिया बढ़ जाता है कि मेरे सारे साबूदाने अच्छी तरीके से पक गए या नहीं पक गए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ दाने जो होते हैं ना वो वाइट रह जाते हैं, मतलब पकते नहीं हैं। तो और आपने नोटिस किया होगा, कभी आपने साबूदाना बनाया होगा तो साबूदाना अगर सच में कुक होता है ना तो वो पेस्टल कलर का हो जाता है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और अगर वो सही से कुक नहीं हुआ है ना तो मतलब उसमें वाइटिश पन रह जाता है। तो मैं पूरा साबूदाना पका हुआ खाना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं सेंग बाद में ऐड करती हूँ, क्योंकि सेंग ऐड करने के बाद है ना वो क्लियरली अपने को दिखता नहीं, विजिबल नहीं होता है कि क्या कच्चा और क्या पक्का। और जैसे ही मैंने इसमें सेंग ऐड किया है ना, तो सेंग ऐड करने के बाद जो चिपकना चिपक रहा था ना वो साबूदाना खुला खुला हो गया, छूट छूट रहा है। देखो आप, मैं हिला रही हूँ ना तो चिपक रहा नहीं अभी। आप चाहो तो साबूदाना डालने से पहले भी सेंग डाल सकते हैं, बट मैं पहले साबूदाना ऐड करती हूँ उसके बाद सेंग ऐड करती हूँ। तो ऐसा है, और अब मैंने इसके अंदर है ना नमक के साथ साथ, जब मैंने साबूदाना इसमें ऐड किया था तो मैंने नमक ऐड किया और प्लस साथ में चीनी ऐड की, जिस वजह से मिर्ची और थोड़ी सी चीनी और नमक का फ्लेवर एकदम मस्त आता है। और यहाँ पे मेरा साबूदाना कुक हो चुका है, सेंग डालने के बाद मैंने इसको 5 से 6 मिनट इसको ढक के रखा था, चालू नहीं थी गैस, गैस को मैंने 2 मिनट में बंद कर दिया था लेकिन ढक के रखा था। उसके बाद मैंने इसमें कोरिएंडर ऐड की,
यानी कि कोथमीर, और ये अभी खाने के लिए रेडी है। टेस्टी टेस्टी यम्मी सा साबूदाना खिचड़ी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज संडे का दिन है, आज हमारे उधर पे कर्फ्यू है, इंडिया में ही कर्फ्यू है, सब बंद है आज के दिन पे। तो ऐसा है, सुबह से यहाँ पे सब कुछ बंद है, और किस किस ने 5 बजे ताली बजाई, बर्तन बजाई, मुझे जरूर बताना। तो ऐसा है, आज हम लोग ने भी बजाया है बर्तन थाली, लेकिन मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी। वैसे अभी शाम का वक्त है, उस्मान नींद में से उठी है और हम दोनों साबूदाना खिचड़ी खा रहे हैं। एक्चुअली मैंने सुबह में नाश्ते में ना साबूदाना खिचड़ी बनाई थी, तो बच गई थी, तो मैंने वो रख दी थी उठा के। मैंने सोचा था मैं शाम में खाऊंगी, तो मैं खा रही थी, तो उज्मा को भी खाना था, तो उज्मा भी खा रही है। ओ मम्मा इतना क्यों खा रही यार, बाबू बीमार है ना, बाबू एक जगह पे बैठे रहे ना, तो मेरे को समझ में भी नहीं आता मैं क्या बात करूँ और क्या ना बात करूँ। चार जगह चार दिमाग घूमता रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलूँ आप लोगों को। तो ऐसा अभी वो बैठ के साबूदाना खा रही है। तो ऐसा है। और हाँ, आज शब मेराज है, अच्छे से इबादत करना, नमाज पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, ये कोरोना कोरोना जो भी है ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और सब सुकून से वापस पहले जैसे रहने लगे। क्योंकि ये मतलब ठीक नहीं है यार, पहले तो जो गुजर रहा है, जिस पे ये चीज़ गुजर रही है, अल्लाह उनको शिफा दे, ये दुआ कर सकते हैं हम लोग। और ये और ना फैले ये भी दुआ करना है हमें, जल्दी से जल्दी इसका इलाज मिल जाए, जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए, बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है। और आप लोग भी ये दुआ करना, अपनी दुआओं में हम लोगों को शामिल करना, और जितना हो सके अपना ख्याल रखो, हाथ वाथ साफ रखो। सब लोग बोल रहे ये चीज़ हर जगह ये चीज़ सुनने को मिल रही होगी आप लोगों को, थोड़ी सी भी ना बोलते ना वो बोलते ना थोड़ा सा कंटाला आ जाता है, इंसान उसको इग्नोर कर देता है, वो सारी चीज़ें मत करो। धोनी वाला खाना कम खाओ चलेगा, लेकिन अपना हाथ पैर धोने में ज़्यादा ध्यान रखो, कपड़े साफ रखो, मतलब साफ़ सफाई का एहतियात बरतो, ताकि हम इस चीज़ से समझ लो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ऐसा है, मतलब एहतियात बरतो, बस जो जो बोला जा रहा है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वो फॉलो करो। हाँ ये बात अलग है, कभी कभी ध्यान से निकल जाता है, हम किचन के पास चले जाते हैं, हम बिना हाथ धोए के, कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन अभी वो कभी कभी भी मत होने दो। हो कोशिश करो ये 1 से 2 बार हाथ धो लो, अगर कन्फ्यूजन है मैंने हाथ धोया कि नहीं, कन्फ्यूजन मत रखो, धो लो 2-4 बार हाथ धो लो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो बाबा यही कर रही हूँ आजकल, मैं नहीं पता है सैनिटाइजर ला के रखे बाबू ने घर के अंदर, पहले ही ला के रखे थे जब से ये मसला सुन रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हो रहा है ना, घर में जो भी आता है ना, सलाम करते साथ पहले उसके हाथ में हम लोग है ना सैनिटाइजर डालते हैं कि वो बाहर से आ रहे हैं, मतलब कोई भी अभी बाबू को मिलने तो सब आ रहे हैं ना बाहर से, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या कोई भी आ रहा है घर के अंदर ना, तो सैनिटाइजर बाजू में ही है, मतलब खिड़की के पास दरवाजे के बाजू में ही सैनिटाइजर रख के, हम लोग के बाहर से कोई भी आ रहा ना तो सलाम करते के साथ, हाँ वालेकुम अस्सलाम, पहले सैनिटाइजर लो, हाथ धो, मतलब हाथ क्लीन करो, उसके बाद घर में एंटर करो भाई साहब। तो ऐसा मतलब अपना एहतियात खुद बरतो, बाहर बाल्टी भर के, एक बाल्टी भर के पानी का रख दो कि जो भी आ रहा है बाहर से पैर हाथ मुंह धो के आए, अगर ये पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल नहीं है तो सैनिटाइजर की बॉटल यूज़ करो। मतलब बोलने का मतलब जितना हमारे हाथ में हम लोग उतना कर ही सकते हैं। तो ऐसा है, तो अभी देखते हैं रात में क्या बनाना है। सिंपल सा आज मैं दाल चावल ही बनाऊंगी, इतना कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी फ़िलहाल उनके टाके ठीक है, एक बार अगर दाल चावल खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। और हाँ, राशन भी ख़त्म हो गया घर के अंदर, और बाहर मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना, हर दुकान में एक जैसा सामान नहीं मिल रहा है। कल आटे के लिए कितना भटकी पता है मैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी आटा ढूंढ रही हूँ, आशीर्वाद सेलेक्ट तो मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने हर वेबसाइट पर चेक की, नहीं मिल रहा था। तो फाइनली जो भी था वो ऑर्डर किया, लेकिन वो भी आने के लिए अभी टाइम लगेगा, 27 तारीख तक के आएगा, 27-28 तारीख तक के आएगा। तो ये 5-6 दिन अभी जो है वो ही खाना है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई पहले से ऐसे कोई तैयारी करके नहीं रखी थी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं मेरे घर में टीवी टूट गया है, मसला इसी वजह से हुआ, बाबू का पैर में इतना जोर का मार लगेला, टाके आ गए। टीवी नहीं होने की वजह से पहली बात तो मुझे जुम्मा शनिचर की क्या खबरें थी वही नहीं पता थी, पापा मत करो,
सच में मुझे टीवी नहीं होने की वजह से ये खबर एग्जैक्टली पता नहीं थी कि ये कंफर्म क्या है संडे के दिन, लेकिन बाद में कल मैंने उस दिन मार्केट गई थी देखो जुम्मा वाले दिन पे, तभी आप लोगों को बताई थी, मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं थी, तो मैंने मार्केट के अंदर पूछा भी था कि ये चीज़ कन्फर्म है, ये चीज़ होने वाली है, कुछ लोग बोल रहे थे हाँ होएगा, कुछ लोग बोल रहे थे अभी कन्फर्म नहीं है, मतलब मैं भी श्योर नहीं थी। तो एक दो दिन में तो ऑनलाइन कुछ भी नहीं आता था, तो इसके लिए मैंने नहीं मंगाया था, लेकिन मैंने सैटरडे मॉर्निंग में सारी चीज़ों का ऑर्डर दे के रखा। देखो भाई एक्सेस भी मत रखो इतना कि चीज़ सड़ जाए, लेकिन उतना रखो कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। नहीं तो कुछ लोग क्या कर रहे पता है, एक्सेस भी भर के रख रहे घर के अंदर, एक्सेस सामान वो भी मत करो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो भी लेके रखो, मेरे जैसा भी मत करो कि ज़रूरत का भी आज और भाजी नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये सच में कंफर्म है, मालूम नहीं था, और उसमें मेरी गलती नहीं है, बिकॉज मेरे घर की टीवी ही टूट गई थी। कुछ लोगों ने कमेंट करके बोले भी थे कि कौन सी दुनिया में जीती है रे लड़की, देखो कुछ पता ही नहीं है। तो बहन मेरी टीवी टूट गई, मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरा हस्बैंड इंजर्ड हो गया, पैर की नस कट गई थी उनकी, मैं दुनिया का देखूंगी अपने आदमी का देखूंगी, दुनिया में क्या चल रहा है वो मेरे को पड़ी नहीं थी, मेरे आदमी को मेरे को हॉस्पिटल लेके जाके टाके लगवाने की पड़ी थी, तो इसलिए पता नहीं था कि संडे के दिन ये सब ऐसा सब बंद है। और हमें को कमेंट करके बताना आज जरा किस किसने ताली बजाया। ओके चलिए फिर आज ना सब मेरा आज है, दुआ कीजिए, इबादत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अभी देखो बाबू तो अंदर है बैठे हुए, मैंने वो वीडियो डाल दी जो वीडियो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, क्या पता मैं ब्लॉग में डालू के नहीं डालू, क्या पता यूट्यूब एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, मेरा डर बिल्कुल सही था। बाबू जरा पढ़ाई थोड़ा दो मिनट के लिए रोक दो। तो मेरा जो डर था ना क्या पता यूट्यूब एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वही हुआ ना फाइनली। वैसे तो कुछ ज्यादा वो नहीं, लेकिन डॉलर जो है ना वो येलो करके रखा है, और येलो डॉलर का मतलब नो इनकम ही होता है एक हिसाब से, और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। लेकिन मैंने वो वीडियो डाल दिया, अपलोड कर दिया, बिकॉज जो लोगों को जरा भी डर नहीं है, खुले दिल से खुले मन से बाहर निकल जा रहे हैं, ऐसे कैसे लोग हैं वो लोग जो इतना अपनी जान की परवाह नहीं है निकल जा रहे घर से बाहर, उन लोगों के साथ यही होना चाहिए। जो वो कल का जो मैंने वीडियो डाली, वो एक ही मिनट का वीडियो डाली, लेकिन वो सही है एक हिसाब से देखा जाए तो। अपनी जान की परवाह तो करो यार, अपने नहीं तो अपने घर वालों की तो करो, क्या सोच के बाहर जा रहे, क्या लेने जा रहे, क्या लेने जा रहे ऐसा। हाँ देखो ना सुबह से है मेरे पास वो वीडियो, लेकिन मैंने अब भी डाली ऐसा है। तो चलिए खैर, बाबू और उज्मा बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, और एक्चुअली बाबू पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करते हैं ना, तो उज्मा उनके पीछे पीछे दोहराती रहती है, और मैंने वो शूट भी किया है 10-20 सेकंड का, वो आप लोग देख लीजिए। मैं चाय निकाल रही हूँ, तो ऐसा है। बाबू भाईजान से मिले नहीं ना आप लोग आज, बाबू भाईजन कैसा फील कर रहे हैं अभी जरा मैं कुछ वाती हूँ आप लोगों से। ओ बाबू भाईजन कैसा फील कर रहे हैं जरा बता दो जरा। I am feeling much better. Better? I really am feeling much better about my this patti and gao. क्या बोले तुम? नहीं काफी दर्द में आराम पड़ गया मेरे को ऑलमोस्ट, मैं घर पे घूम फिरने कंडीशन में हो गया हूँ, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं शायद जब मेरा फील्ड वर्क चालू होगा और शायद 26 तारीख से तो मैं फील्ड ज्वाइन कर सकता हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है आपको जल्दी मिलूंगा मैं फील्ड पे। हाँ मैं बोल रही हूँ ना, अगर 26 तारीख से काम चालू होगा ना तो 25 की रात तक के नहीं हो रहा करेंगे अपन ना सारा, बोलते ना झेलम झाली करवा देंगे और 26 की मॉर्निंग में उठ के काम पे चले आएंगे। एक दिन पहले भी बोल सकते कि मैं ठीक हूं, इनका कहना बिल्कुल सही है, ये हमेशा ऐसे ही करते पता है, इनका सेवा में हम बीमार पड़ जाते हैं, एक दिन भी हमें रेस्ट नहीं देके रात तक बोलेंगे मैं बीमार हूँ, दूसरे दिन कब छपी हो जाते घर से तैयार व्यार होके मुझे अभी ठीक लग रहा है, जब तुमको आज ठीक लग रहा है तो कल एक दिन पहले क्यों ठीक नहीं लगा, एक दिन हमको आराम क्यों नहीं दिए तुमने। मैंने इनको ये बारी को बोल दिया, अगर तुमको 25 तारीख को आराम पड़ता है ना तो तुम 27 को काम पे जाएंगे, क्योंकि 26 को एक दिन तुम घर में रह के जो 8 दिन मैंने तुम्हारे रिकवरी के लिए ऐसी मेहनत की उसके बाद मेरा शोल्डर उतर गया, मेरे को चमक आ गई। डबल मेहनत करने के बाद किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, तो मेरी वो तकलीफ के लिए सिर्फ एक दिन घर में रुक जाना, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा दर्द 27 को ही खत्म हो तो तुम क्या करोगे, रुकोगे ना 27 तक? हाँ 28 को ज्वाइन करेंगे ना, तो उस हिसाब से अल्लाह से मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह तुमको 27 तारीख तक के नहीं 25-24 तक के आराम पड़ जाए, ताकि तुम दो दिन घर
शहर में मेरे साथ ठीक ठाक से रहो, और थोड़ा बहुत बोलते ना जो मेरी तबीयत खराब हुई, एक्चुअली ये शोल्डर, मैंने कल भी बोला ना आप लोगों को, ये शोल्डर में चमक है अभी भी, पट्टी लगी हुई पीछे, तो बोलती, लेकिन ये ना ये मजाक में ही लेते रहते। नहीं मजाक नहीं, तो कल इतना सिचुएशन टाइट थी, फिर भी मैं इसके लिए गया था पट्टी लाने के लिए। मैं गया था, मैं भले बाइक पे गया था अलग बात है, लेकिन मैं गया था। और झूठ बात, एकदम झूठ बात, बाइक पे बैठ के मैं गया था थोड़ा बाहर के नजारा के लिए, क्योंकि आज तो कर्फ्यू था आपको सबको पता है। अरे मैं बताती मेन बात क्या है, नहीं मैं बताऊंगी क्या हुआ था पता है। मैं आप लोगों को परसों भी बोली ना, इनको तबेले का दूध पीना, तबेले का बार बार मेरे को बोल रहे तबेले का दूध लेके आ, तबेले का। मैं बोली मैं तबेले का दूध नहीं ला सकती, तो ये नहीं आस पड़ोस के लड़के लोग को ढूंढ रहे थे कि कोई जाके ना दूध लेके आ जाए तबेले से, तो अभी कोई इतना एक्सपीरियंस बंदा इनको मिला नहीं, तो इनका भी बहुत मन है ना भाई, तीन दिन चार दिन घर में बैठ गए तो अभी मन उछल रहा ना मैं बाहर जाऊँ बाहर के नजारे देखूँ, तो बाइक पे बैठ के खुद भी चलेगा। मेरे को क्या बोले पता है, मैं लड़का ढूंढने जा रहा हूँ कोई दूध ला के देगा क्या, मुझे ये बोले, मुझे पता भी नहीं कि ये आगे कब गए। मैं बोला इसको रहेगा तो बाइक चाबी दे के मंगा लूंगा, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा नहीं यार मैं चल फिर सकता हूँ थोड़ा बहुत, पर गलत है ना, गलत है ना, गलत है ना, चल फिर सकता हूँ तो घर में क्यों बैठी जगह पे बोल रहे कि ये दे वो उठा के दे वो करके दे, बाहर घूम के आने, नहीं बाहर घूम के आने के लिए ठीक हो गया, करने के लिए बाहर घूमने के लिए मैं ठीक हो गया, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, और घर में एक चीज उठाने के लिए ए ये कर दे ये वो कर दे, चल 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 दे बड़ा बट्टा आने तो क्या आने देंगे मिलता जाए ऐसे होता है। बोलो डॉक्टर, यू आर अवेयर दैट पी आई एच एंड आई यू जी आर आर लीडिंग कॉज ऑफ प्रीमैच्योर बर्थ इन आईजीआर, हाँ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि उज़मा यहाँ पे मस्ती कर रही है डिम्पी के साथ, ये लोग दिन भर ऐसे ही भागते रहते हैं घर के अंदर, वो भी उज़मा के साथ खेलती रहती है और उज़मा भी उसके साथ खेलती रहती है, दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है। और एक एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को, हम लोग के इधर जो कर्फ्यू है ना वो एक्सटेंड हो गया है, सुबह 6 बजे तक के चलेगा, तो बस और बस अभी भी यही चाहती हूँ कि आप लोग हमें भी दुआ में शामिल रखिए, और मैं भी आप लोगों को दुआ में शामिल रखूंगी, सब लोग ये कोरोना वायरस से सेफ रहे, सुरक्षित रहे, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।